कांग्रेस के जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष करमवीर सिंह भाटी व उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता वित्त मंत्री अरुण जेटली का बिना अनुमति के पुतला दहन कर रहे थे। कांग्रेस द्वारा सभी जगह पुतला दहन का आयोजन रखा गया था। जैसे ही पुलिस प्रशासन को पता चला तो सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर उनके ऊपर धारा 143 एवं 188 में आचार संहिता में उल्लंघन पर कार्यवाही की गई, जिन सभी को सिविल मजिस्ट्रेट ने 10,000 के मुचलके पर जमानत दी है। पूरे नाटकीय घटनाक्रम में गिरफ्तारी की गई है। थाने से कोर्ट तक सभी कार्यकर्ताओं को पैदल ही कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। वर्तमान विधायक हरदीप सिंह डंग भी मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं की भरपूर मदद कर रहे हैं। हवाला देते हुए हमारे 8 कार्यकर्ताओं को यहाँ पर यहाँ बुलाया गया है और 188 में जमानत की कार्रवाई की जा रही है। मेरा मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में जब वित्त मंत्री के पुतले जलाए जा रहे हैं और जब इतना बड़ा कांड वहाँ पर हो जाता है तो आज जनता में बिल्कुल एक आक्रोश है, और आक्रोश प्रदर्शन करने का एक नॉर्मल और शांतिपूर्ण तरीके से जब पुतला दहन किया गया है, इसमें हमारा मानना है कि इसमें कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। पर कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों मिली भगत से आज जो इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, ये निंदनीय है और इसका हम विरोध करेंगे। क्योंकि खाली एक तरफा अगर कार्रवाई की जाती है तो ये एक दुखदायी घटना है, हम इसका विरोध करते हैं। क्या धाराएं लगी इन लोगों के ऊपर, क्या कार्रवाई की गई? ये विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जो आचार संहिता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लगाई गई है, उसके अंतर्गत हमारे माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसमें बिना अनुमति के कोई भी प्रदर्शन, जुलूस, रैली, कोई भी कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। ये जो कर्मवीर सिंह है, इनने अपने साथियों के साथ लदुना चौराहे पे बिना अनुमति के प्रदर्शन किया और पुतला दहन का कार्यक्रम के आयोजन में इनको गिरफ्तार किया गया। धारा 188 143। कुल कितने लोग थे? अभी हमारे संज्ञान में 11 लोगों के नाम हमारे पास आए थे, जिनको हमने गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।